लवकेश कटारिया को लवकेश कटारिया के दोस्तों ने वार्निंग दी है। क्या वार्निंग दी है, चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। घर के अंदर एक ऑडिशन टास्क चल रहा था, जो कि एक एक करके जो है घर वालों को कन्फेशन रूम में जाना था। कन्फेशन रूम में क्या बातें की है, किस तरीके की ऑडिशन हुई है, ये तो आपको और हमें जो है एपिसोड के जरिए ही जो है देखने के लिए मिलेंगी। पर अब घर वाले जो है बाहर बैठे हुए गार्डन एरिया में, जहाँ पर सना मकबूल, शिवानी, विशाल और लवकेश बैठे हुए हैं और ये आपस में काफ़ी सारी बातें कर रही हैं, वहाँ पर आ जाता है अरमान मलिक। अरमान मलिक जो है कुछ बातें अदनान के बारे में बोलता है। अदनान के बारे में दो बातें बोलने के बाद वो जो लवकेश है वो काफ़ी ज़्यादा बोलने लग जाते हैं अदनान के बारे में। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद, सुनने के बाद, विशाल जो है बोलता है कि मुझे तुझसे कुछ बात करनी है लवकेश। तो लवकेश बोलता है हाँ भाई बोल क्या है। तो वो बोलता है कि देख वो काफ़ी अच्छे से है, अदनान काफ़ी अच्छे से है, तो तुझे इसके साथ किसी के बारे में कोई बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लवकेश का कहना ये है कि हाँ मुझे पता है भाई वो तेरा दोस्त है, पर मैंने कोई बुरी बात तो नहीं बोली है। तो विशाल का कहना ये है कि बुरी बात की बात नहीं है, मैं तुम्हें ये बात बोल रहा हूँ कि अदनान के लिए ही नहीं, किसी की भी अगर कोई बात है तो तुम जो हो इसके साथ डिस्कशन मत करो, अरमान के साथ डिस्कस मत करो। अरमान जो है वो इन सब चीज़ों का मुद्दा बनाता है, बातें जो है वो इधर से उधर करता है। लवकेश को काफ़ी ज़्यादा इन दोस्तों ने समझाने की कोशिश की कि भाई तू अरमान के साथ ऐसी बातें मत कर, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा मुद्दा उठा लेता है। विशाल ने यहाँ तक भी बोला कि क्या तू वो सब चीज़ें भूल गया, अब जो है तू इसके साथ मस्ती कर रहा है, तू भूल गया कि उसने तेरे दोस्त के साथ क्या सब चीज़ें की हैं। तो लवकेश का कहना ये है कि नहीं, मैं सब चीज़ें मुझे याद है और सब लोग भाई बहन हैं यहाँ पर अपने, और वो सामने से बात करने आया था तो मैंने भी बात कर ली, और रही बात कहीं पर पहुँचाने की, भाड़ में जाए मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं पर भी बात पहुँचा दे। और मैं तो मुँह पे बोलने वाला इंसान हूँ, अगर मेरे दिल में जो भी बात होगी मैं मुँह पे बोलूँगा और मैं बोलूँगा, मैं चुप नहीं रहूँगा, मैं बोलूँगा ज़रूर जो भी मेरे को फील हुआ। तो सना मकबूल का कहना ये है कि देख हम तुझे किसी बात से रोक नहीं रहे हैं, तूने ही बोला था कि अगर कुछ ऐसी गलती होती है तो दोस्त होने के नाते जो है तुम मुझे समझाया करो, मुझे समझा सकते हो, दोस्त दोस्त को समझा सकते हैं, तो हमें ऐसा लगा इसीलिए हम तुझे समझा रहे हैं। और अब हमें भी पता लग गया है कि हाँ लवकेश जो है वो बोलेगा ही, तो हम भी जो है अपने आप को देखेंगे कि अभी तुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, बस हमारा जो फ़र्ज था वो हमने कर दिया, अभी बाकी तेरे ऊपर है कि तुझे क्या करना है, तुझे बोलना है नहीं बोलना, उसके साथ बात करनी है नहीं करनी है, इस तरीके की बातें जो है यहाँ पर हो रही हैं। अभी ऐसा नहीं है कि अदनान जो है वो पीठ पीछे बातें नहीं कर रहा, वो बहुत सारी बातें जो है लवकेश के खिलाफ किए जा रहा है और बहुत ज़्यादा फेक नैरेटिव जो है जनता के दिल में और जनता के दिमाग में क्रिएट करने की वो कोशिश कर रहा है। ये बात जो है अब विशाल को पता नहीं है, विशाल का ये बाहर से दोस्त है और विशाल को इनके मुद्दे के बारे में भी नहीं पता होगा। अभी विशाल को लगता है कि अदनान तो काफ़ी ज़्यादा आराम से है, वो तो बहुत ही चिल तरीके से जो है चल रहा है, पर ये जो है टोंडबाजी कर रहा है। पर अगर देखा जाए तो विशाल को ये बात पता नहीं है कि भाई अदनान भी पीठ पीछे लव कटारिया के बारे में काफी सारी बातें कर रहा है, और लव कटारिया अब वो चीजें बता नहीं पा रही हैं जो चीजें बाहर हुई, क्योंकि बाहर के मुद्दे जो है घर के अंदर थोड़ी ना कोई खोलेगा, अंदर मुद्दा बनेगा तभी आखिरकार सब चीजें बाहर निकलेगी। पर अब तक इनके बीच में कोई ऐसी बड़ी फाइट नहीं हुई है जो चीज ये समझा सके और बता सके कि आखिरकार ये दोनों एक दूसरे को पसंद क्यों नहीं करते हैं। तो अब आपका क्या कहना है, अगर लाइव फीड देख रही हैं तो आप लोगों ने ये चीज देखी होगी, तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।